दोस्तों स्वागत है आपका संडे क्यूएनए कमेंट बॉक्स में। सैटरडे को जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था क्यूएनए सेशन के लिए, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग कुछ हटकर क्वेश्चंस थे उनको मैंने पिक किया है, जिसका कि जवाब आज के सेशन में दूंगा। सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का संडे क्यूएनए कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है अनिल फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है सर इस महीने फंड नहीं मिला तो अगले महीने इस मंथ का व्यू काउंट होगा या नहीं, प्लीज बताइए। तो भाई मैं आपको बता दूं, आराम से काउंट होगा। इस महीने अगर आपके व्यूज पर शॉर्ट फंड नहीं मिला, कुछ कम होंगे व्यूज जितने उनको चाहिए शॉर्ट फंड के लिए, तो कोई इशू नहीं है। जितने आपके व्यूज इस महीने के हैं वो अगले महीने में ऐड होकर टोटल व्यूज के आपको शॉर्ट फंड मिलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदित्य वाया फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है प्लीज पिक माय क्वेश्चन, सर एडिटिंग होने के बाद वीडियो की आवाज काफी कम हो जाती है, जैसे बाकी फैक्ट्स चैनल की तरह तेज नहीं लगता, इस वीडियो को अट्रैक्टिव नहीं लगती है, इसलिए वीडियो अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो मेनली इनका कहना है कि एडिटिंग के बाद इनकी आवाज स्लो हो जाती है, तो उसके लिए इनका इशू है। तो मैं आपको बता दूं, एडिटिंग करते समय जैसे आप काइन मास्टर से एडिट कर रहे हैं, तो आप अपने जो भी आपका वॉइस है उसे आप 100 से 200 भी कर सकते हैं, और भी आपको तेज वॉइस चाहिए, आपको लग रहा है स्लो है, तो वही अपना जो आपका वॉइस है जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे दो बार डाल दीजिए उसी वीडियो के अंदर, और उसको 200 कर दीजिए, तो आपकी वॉइस डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने वॉइस को आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धीरज फैक्टर ने, इन्होंने पूछा है सर क्या होगा अगर आज चैनल बनाए और एक महीने के अंदर वीडियो वायरल हो गया तो क्या शॉर्ट फंड मिलेगा, या फिर 6 महीने कंप्लीट होने पर शॉर्ट फंड मिलेगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपका वीडियो 1 महीने के अंदर अगर वायरल हो गया तो आपको शॉर्ट फंड नेक्स्ट मंथ ही मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपको 6 महीने आपका पुराना चैनल होना चाहिए। जो शॉर्ट फंड मिलने का क्राइटेरिया था उसमें यह लिखा था कि आपके जो व्यू आए हैं स्टार्टिंग में लास्ट 180 डेज में, यानी 6 महीने के अंदर जो व्यूज आए हैं उनका शॉर्ट फंड आपको मिलेगा। क्योंकि स्टार्ट में जब शॉर्ट फंड मिल रहा था तो शॉर्ट चैनल को कोई मिला नहीं था पहले से, कोई शॉर्ट फंड पहली बार जो मिल रहा था, तो वो लास्ट 6 महीने के आपके जो टोटल व्यू आए थे उसको काउंट करके वो लास्ट आपको शॉर्ट फंड दिए थे। और इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट 3 मंथ हो गया, यानी 90 डेज में जो आपके व्यूज आते हैं उसको आपका शॉर्ट फंड मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके 1 महीने में वायरल हो जा रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ ही आपको शॉर्ट फंड मिलेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 6 महीने आपको वेट करना होगा। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुंडू फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है शॉर्ट्स में स्पॉन्सरशिप का कितना चार्ज करना चाहिए, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, शॉर्ट्स चैनल पर जो आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है वो शॉर्ट्स वीडियो पर जितने व्यूज आते हैं उसके हिसाब से नहीं, बल्कि आप उस पर जो लॉन्ग वीडियो डालते हैं उस पर कितने व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपको वो शॉर्ट्स कोई वीडियो बनवा रहा है स्पॉन्सरशिप में, तब वो आपको शॉर्ट्स वीडियो के अकॉर्डिंग जो व्यूज आते हैं उसका दे देते हैं। और अगर आप वो जो मैक्सिमम जो कंपनियां बनाती हैं वो डेडिकेटेड वीडियो बनवाती हैं, तो उसके लिए वो लॉन्ग वीडियो बनवाती हैं। अब आपके चैनल पर पहले से लॉन्ग वीडियो है या नहीं है उस हिसाब से कितने व्यूज आए हैं उसके हिसाब से वो पैसा देती हैं। और काफी मैं बताऊं तो काफी अभी इस टाइम कम है शॉर्ट चैनल को जो मिल रहा है। ये समझ लीजिए कि अगर आपके मिलियंस वाले चैनल है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनी 15,000 से 20,000 रुपए ही देगी, जो कि अगर आप लॉन्ग चैनल की बात करें तो उससे ज्यादा पैसा एक 50,000 सब्सक्राइबर वाला ले लेता है। तो इस तरीके का, लेकिन उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द शॉर्ट्स के लिए अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप का सिस्टम कंपनी लॉन्च कर रही है, जिससे हर एक शॉर्ट्स क्रिएटर को अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, तो कोई इशू की बात नहीं है। और साथ ही साथ यूट्यूब भी ब्रांड कनेक्ट नाम से एक सर्विस स्टार्ट कर रहा है जिससे अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप जेन्युइन तरीके से आपको मिलेगा। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रजेश कुमार ने, उन्होंने पूछा है सर मेरे पास दो बड़े क्वेश्चंस हैं। चलिए दो बड़े क्वेश्चंस हैं तो उनका आंसर मैं दे देता हूं। पहला क्वेश्चन है अगर हम सिटी में रहकर वीडियो बनाते हैं और जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो हमारा एडसेंस पिन कहां जाएगा, मेरे एड्रेस पर या जिस एड्रेस का आईडी है, या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो आईडी आप लगाते हैं उस आईडी पर जो एड्रेस मेंशन है वही एड्रेस आपको डालना पड़ता है। तो आप चाहे जहां भी रहें, जो आपके आईडी में एड्रेस है उसी एड्रेस को आपको फिल करना होगा, आप बदल नहीं सकते। अगर आप बदल देंगे तो वो फिर वेरीफाई नहीं होता है, सेम एड्रेस डालना होगा और उसी एड्रेस पर आपका पिन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपने पूछा है कि एडसेंस बनाते समय अगर हमारा खुद का पैन कार्ड नहीं है तो हम किसी रिलेटिव का दे सकते हैं। तो भाई आप जिसका भी पैन कार्ड लगाएंगे उसी के नाम का आपको अपना बनाना पड़ेगा
ये क्या बोलते हैं गूगल एडसेंस जो अकाउंट बनता है उसी के नाम का बनाना पड़ेगा जिसका कि पैन कार्ड है, जैसे आपके मम्मी पापा भाई किसी का भी हो सकता है उसके नाम का। तो आई होप आपके दो बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिल खुश कुमार ने, उन्होंने पूछा है भैया फैक्ट क्वार्ट्स मोटिवेशनल क्वार्ट्स कैसे बनाएं और क्वार्ट्स वीडियो कैसे बनाएं। तो भाई अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक फुल डिटेल वीडियो ला दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आपको क्वार्ट्स वीडियो बनाना है तो उसके लिए आपको अगर फैक्ट क्वार्ट्स बनाना है तो आप सिंपली जिस पर फैक्ट है उसका एक पहले इमेज लगाइए और जो मेन फैक्ट है उसको आप 3 से 4 लाइन में लिखकर उसे आप वीडियो में चला सकते हैं। चाहे तो आप उसमें वॉइस ओवर भी कर सकते हैं या फिर आप म्यूजिक लगाकर भी वो अपना जो फैक्ट्स का आपका क्वार्ट्स वीडियो है वो आप चला सकते हैं। और मोटिवेशनल क्वार्ट्स आपको बनाना है तो आप उसमें सिंपली इमेज डाउनलोड करके अच्छे तरीके से हिंदी या इंग्लिश फॉन्ट में लिखकर उसे भी आप वीडियो में आराम से प्ले कर सकते हैं, चाहे म्यूजिक लगाकर या फिर उसमें भी वॉइस ओवर करके। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुमित शर्मा फैक्ट्स ने, उन्होंने पूछा है सर आपकी 85 मिलियंस वाली वीडियो पर कितना ऑडियंस रिटेंशन था। तो भाई मैं आपको बता दूं जब मेरा वीडियो वो वायरल जा रहा था, मतलब कि वायरल जाने का मतलब है हर एक घंटे लाखों में जब व्यू आ रहे थे, तो उस टाइम ऑडियंस रिटेंशन उसका 93% से 95% के बीच में था। और इसके बाद जब उस पर 85 मिलियन व्यूज हो चुके थे उसके बाद भी उसका ऑडियंस रिटेंशन 86% था। तो आपके वीडियो वायरल जो जाते हैं वो कितने वायरल जाएंगे यानी कितने मिलियन व्यू तक पहुंचेंगे वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस रिटेंशन घट तो नहीं रहा है। अगर आपका जैसे 90% है वायरल होना स्टार्ट हो गया, 10 मिलियन व्यू गया वो घटना स्टार्ट हो गया 88 पर आ गया 87 पर आ गया, तो फिर व्यूज आगे चलकर वहीं रुक जाते हैं। और अगर वो 90% है 90% से 91 होता है मेंटेन रहता है या फिर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो आपका व्यूज बढ़ता ही जाएगा 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन इस तरीके से। तो मेरा जो था व्यूज जाने के बाद 86% था और जब जिस टाइम वायरल जा रहा था उस टाइम 92% to 93% ऐसे था। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टीरियस फैक्ट ने, उन्होंने पूछा है सर जैसा कि यूट्यूब ने खुद बोला है शॉर्ट फंड दिसंबर 2022 तक मिलेगा, तो क्या दिसंबर के बाद यूट्यूब पर शॉर्ट्स बंद होने वाला है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मतलब इनका कहना का मतलब है कि YouTube बोला है दिसंबर 2022 तक शॉर्ट फंड मिलेगा, उसके बाद क्या शॉर्ट्स बंद हो जाएगा जो दिसंबर तक का उन्होंने डेडलाइन दिया है। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, वो शॉर्ट फंड के लिए उन्होंने बोला था कि दिसंबर 2022 तक मिलेगा, उसके बाद वो अपना नया चीजें लॉन्च कर रहे हैं जो कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है गूगल एडसेंस, जो कि शॉर्ट्स पर जो भी आएंगे उसका भी गूगल एडसेंस के जैसा आपके एड चलेंगे उसके पैसे बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च करने के लिए थोड़ा टाइम लिया था क्योंकि उनको पूरा रिसर्च करना होता है हर चीजें कि कितने व्यू पर कितना पैसा दे, ये सब रिसर्च करने के लिए उन्होंने टाइम लिया था। तो शॉर्ट्स कभी भी नहीं बंद होगा यूट्यूब पर, क्योंकि शॉर्ट्स जितना अच्छा यूट्यूब पर चल रहा है एक शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम और भी जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म थे सारे को पीछे कर दिया है, यूट्यूब शॉर्ट्स सबसे आगे निकल चुका है। तो भाई यहां से रेवेन्यू यूट्यूब कमाएगा तो आखिर क्यों बंद करेगा। तो बंद होने का कोई भी सवाल नहीं होता है, अच्छे से काम करिए यूट्यूब शॉर्ट्स पर, आपका भी चैनल ग्रो होगा और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे क्योंकि अच्छे अच्छे सिस्टम YouTube लेकर आने वाला है। तो बिंदास होकर काम करिए, कभी भी शॉर्ट्स YouTube पर नहीं बंद होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अजय ने, इन्होंने पूछा है दो चैनल के लिए एक एडसेंस चाहिए या दो, बड़े भैया जरूर बताना। तो मैं आपको बता दूं आप एक नहीं 10 चैनल हो सेम एडसेंस पर लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, एक एडसेंस पर जितने भी चैनल हैं सारे चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनवैलिड एक्टिविटी आप मत करिएगा, वरना एक एडसेंस अगर आपका डिसेबल हो गया तो जितने चैनल्स लिंक हैं सब पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप कितने भी चैनल से आराम से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जय श्री सियाराम ने, इन्होंने पूछा है सर वायरल हैशटैग कैसे पता करें, प्लीज रिप्लाई मी। तो भाई मैं आपको बता दूं वायरल हैशटैग ऐसा कुछ करना को ऐसे कुछ कोई चीजें होती नहीं है, आपको हैशटैग जो लगाना है अपने वीडियो से रिलेटेड लगाना है। जैसे मैंने आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि अपने वीडियो में हैशटैग कैसे लगाएं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, काफी पुराना वीडियो है, एक नया भी वीडियो लेकर मैं जल्द आऊंगा इसके लिए। तो आप हैशटैग जैसे लगाना है आपसे वीडियो से रिलेटेड, जैसे आपका फैक्ट का वीडियो है तो हैशटैग फैक्ट लगा दीजिए, फैक्ट के अंदर आपने बताया है अगर मान के चलिए कोई घोस्ट का फैक्ट तो हैशटैग घोस्ट फैक्ट, हैशटैग हॉन्टेड फैक्ट ये सब लगा सकते हैं। हिंदी में आपने फैक्ट बताया तो हैशटैग हिंदी फैक्ट्स लगा सकते हैं, ट्रेंडिंग फैक्ट्स लगा सकते हैं, हैशटैग YT शॉर्ट्स, इस तरीके का हैशटैग आप लगा सकते हैं। कोई ऐसा उसमें ये नहीं होता है कि मुझे हैशटैग पता करना होगा, ये सब कोई
इशू नहीं होता है, बस अपने जो वीडियो से रिलेटेड है वही हैशटैग यूज करिए। और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है DW मोटिवेशन ने, उन्होंने पूछा है सर एग्जाम की वजह से कुछ दिनों में वीडियो अपलोड नहीं किया, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, एग्जाम था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम ज्यादा जरूरी है, टाइम नहीं मिला तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है, चाहे शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग, कभी भी आप बीच में गैप मत करिएगा। आप कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, जैसे आपका एग्जाम था तो भाई बहुत जरूरी है, या फिर आपकी हेल्थ खराब हो गई, जो कि ऐसा हो ना, तब भी आप नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई इशू आ गया तो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर आपसे हो सकता है, अगर आप डेली वीडियो डालते हैं तो कोई दिक्कत है, कोई काम है, तो आप हो सके तो एक दिन गैप करके वीडियो डालिए। लेकिन लगातार लंबे टाइम के लिए आप चैनल पर अब्सेंट मत रहिए, यानी वीडियो वगैरह बनाना मत बंद करिए। इससे आपके चैनल की रीच डाउन हो जाती है, आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत भी कहीं ना कहीं काफ़ी आपको इफेक्ट करता है, यानी आपकी मेहनत उतनी थोड़ा खराब भी हो जाती है, क्योंकि आपको जो यूट्यूब है वो कॉन्टिन्यूटी मांगता है कि लगातार आप कितना काम कर रहे हैं, वरना आपके चैनल की रीच डाउन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हो सके कॉन्टिन्यू रहिए, अभी कोई दिक्कत आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी आप कॉन्टिन्यू रहने का प्रयास करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट 10K ने, इन्होंने पूछा है सर क्या शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट होता है, क्या पिक माई क्वेश्चन। तो भाई शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट होता है। अभी आपको पता होगा शॉर्ट्स वीडियो आप ओपन करते हैं तो डायरेक्ट शॉर्ट्स फीड में खुलता है, चाहे ब्राउज फीचर में वीडियो आए उसके बावजूद भी। तो आपका वॉच टाइम काउंट करने के लिए थोड़ा एक अलग सिस्टम भी है, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आपका अगर शॉर्ट्स में वीडियो का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। और एक बहुत ही लेटेस्ट बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं चैनल पर, जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट करने का क्या एक नया तरीका है, जिसका यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो ही डालकर अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत जल्द ये वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर, तो 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्टो मृदुल ने, इन्होंने पूछा है सर टेक चैनल कैसे ग्रो करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बता दूं, टेक चैनल अगर आपको ग्रो करना है या फिर कोई भी चैनल ग्रो करना है, उसका सिर्फ एक सीक्रेट है कि आप अपने चैनल पर कुछ यूनिक तरीका बताएं, यूनिक कंटेंट लाएं। अब मेरा आप टेक चैनल देख लीजिए, इसी 2022 का चैनल है, 8 जनवरी का। स्टार्ट में मैंने हफ्ते में एक वीडियो में डाला करता था, मार्च से मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, और मैं 4 से 5 महीने के अंदर लगभग मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप लोगों के प्यार की वजह से। तो आखिर मैंने ऐसा कैसे ग्रो किया, इसके पीछे की मेन वजह है कि मैं चैनल आइडिया, शॉर्ट्स चैनल ग्रो करने के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े तरीके, कैसे शॉर्ट्स पर काम करना है, मैं यूनिक कंटेंट सबसे हट कर ला रहा हूं, जो कि यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जो शॉर्ट्स से रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीजें अपने चैनल पर देता हो, जो कि मैं देता हूं। लॉन्ग के भी तरीके मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं, साथ ही साथ चैनल आइडिया दे रहा हूं। और मैं ये कहते हुए काफी गर्व महसूस करता हूं कि चैनल आइडिया देने का जो सिस्टम है वो आपके भाई यानी मैंने ही शुरू किया यूट्यूब पर। अभी तो सभी लोग लगभग चैनल आइडिया बताने लगे हैं, लेकिन स्टार्ट मैंने किया है यूट्यूब पर। तो अगर आप कुछ यूनिक हटकर करेंगे यूट्यूब पर तो 100% ग्रो होंगे, उसका एग्जांपल मैं भी हूं। अगर आप यूनिक तरीके से काम करिए, टाइम लेकर सोचिए मैं क्या यूनिक कंटेंट दे सकता हूं, तो 100% आप ग्रो करेंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, टेक ही नहीं कोई भी कैटेगरी हो। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न जोशी प्रतीक का, इन्होंने पूछा है मैं बालवीर के वीडियो अपलोड करता हूं तो क्या मुझे शॉर्ट फंड मिलेगा। तो भाई शॉर्ट फंड मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बालवीर के वीडियोस डाल रहे हैं तो वो सब सोनी टीवी के, इन सब के होते हैं कंटेंट। और ये चैनल, जब आपका चैनल ग्रो होने लगेगा, आपके वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आने लगेंगे, तो स्ट्राइक वो तुरंत देते हैं, और स्ट्राइक देने के बाद आपको पता है आपका चैनल ही नहीं बचेगा, तो शॉर्ट फंड मिलने की बात ही क्या है। तो हो सके तो आप खुद का कंटेंट बनाइए, या फिर दूसरे का कंटेंट बनाना है तो मैं आपको जो तरीके बताता हूँ वो चीज़ें आप डालिए। अब जब तक इसमें मिलेगा तो आप ले सकते हैं, अगर आपके व्यूज चले गए, कोई स्ट्राइक नहीं आया तो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है कि वो आपको स्ट्राइक दे देंगे जैसे ही आपके वीडियोज़ पर व्यू आना स्टार्ट होते हैं। तो ये है पूरा सीन, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसे इस पर काम करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्यूएनए सेशन का, डीजे नीरज रामगढ़ नंबर 1 इनका, इन्होंने पूछा है सर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता जा रहा है लेकिन व्यू नहीं आते हैं, क्या करूं प्लीज बताइए। तो आपका जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों प्रॉब्लम होगा।
आपका कोई एक वीडियो वायरल चला गया होगा, उसी पर अभी व्यू आ रहे होंगे, उसी से आपको सब्सक्राइबर मिल रहे होंगे जो बढ़ रहे हैं, और आप जो नए वीडियो डाल रहे हैं उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको व्यूज भी चाहिए तो आपके जो चैनल पर व्यूज जिस पर सबसे ज्यादा आया है, जिस वजह से सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आ रहे हैं, उसी टाइप का आप और कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो आपके चैनल पर आ रहे हैं उस टाइप का कंटेंट देखकर पसंद करके आ रहे हैं। तो जब वो ऐसा कंटेंट आप और बनाएंगे तो वो देखना पसंद करेंगे, जिससे आपके व्यूज भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे आना, और सब्सक्राइबर तो आपके बढ़ ही रहे होंगे। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। बस यही 15 क्वेश्चन थे जो मैंने पिक किए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये संडे Q&A कमेंट सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर किसी और टॉपिक पर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।